कोतवाली क्षेत्र के वीरपुर निवासी राजेश ने मारपीट को लेकर थाने में शिकायत की थी, लेकिन सुनवाई न होने के चलते अब पुलिस अधीक्षक से न्याय की फरियाद लगाई है। पीड़ित ने शिकायत में बताया है कि बीते 19 नवंबर को हमारे गांव के निवासी आत्माराम शंकरलाल अरविंद राजीव कांति देवी पत्नी आत्माराम ने दिन में 3 बजे मेरे दरवाजे पर आकर पुरानी रंजिश जमीन बंटवारे को लेकर आपसी विवाद के चलते खुन्नस मानकर मुझे व मेरे परिजनों को गाली गलौज करने लगे। मना करने पर उपरोक्त लोगों ने मेरे घर के अंदर घुसकर मुझे व मेरी पत्नी निर्मला देवी को काफी मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। पीड़ित का यह भी आरोप है कि उपरोक्त लोग खेत की जमीन पर कब्जा कर रखा था, उसको जबरदस्ती जोत लिया था। मना करने पर घर के अंदर घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया है। मारपीट से घायल मेरी पत्नी व मेरे सिर में चोट आई है, जिसकी शिकायत थाने में की थी। डॉक्टरी होने के बावजूद थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। पीड़ित ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है, उपरोक्त लोगों पर विधिक कार्रवाई की जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए। मेरा नाम राजेश कुमार है, मेरे पिता का नाम श्री सूबेदार है, मैं वीरपुर का रहने वाला हूँ, थाना बेनीगंज है, तहसील संगीता है। यह है खेती बाटी का विवाद चल रहा था, वो जबरदस्ती करवा लिया है, कब्जा कर रखा है। किन लोगों ने कब्जा कर रखा है? इन लोगों ने कब्जा कर रखा है आत्माराम शंकरलाल, और कहने पे अगर मारा पीटा घुसकर और मारा पीटा, मेरी पत्नी को मारा और मेरा सर फोड़ दिया। कब इन लोगों ने कब मारा पीटा? कल की डेट में? कल की डेट में 19 तारीख। घर पे थे या बाहर कहीं मारा पीटा? घर पे, घर में घुसकर मारा, पथराव किया। फिर क्या हुआ? मैं जान बचाकर भाग गया, कमरा बंद किया, नहीं तो मार डालते। थाने में एप्लीकेशन दी, उसी से डॉक्टरी हुई, और हमारी डॉक्टरी हुई, हमारी आई नहीं है, उनकी आ गई, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन उचित कार्रवाई की जाए।